दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2024 में भारतीय टीम बहुत व्यस्त रहने वाली है। मार्च अप्रैल में आईपीएल खेलने के बाद भारतीय टीम जून के महीने में टी20 विश्व कप खेलेगी। टी20 विश्व कप के बाद भारतीय टीम जिम्बाब्वे का दौरा करेगी, जहां 5 टी20 मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। ये मैच 6 से 14 जुलाई के बीच खेले जाएंगे। इसके बाद भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर जाएगी, जहां 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की श्रृंखला श्रीलंका टीम के साथ खेलेगी। इस दौरे पर सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है, क्योंकि आईपीएल और टी20 विश्व कप खेलने के कारण उन्हें आराम की आवश्यकता होगी। ऐसे में पहले 3 वनडे मैचों के लिए केएल राहुल को कप्तान बनाया जा सकता है, क्योंकि अगले वनडे विश्व कप के लिए भारतीय चयनकर्ताओं को एक नई और दमदार टीम की तलाश है, जिसके कारण इस श्रृंखला में कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं। केएल राहुल के नेतृत्व में इस भारतीय युवा टीम की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है, जिसमें ओपनिंग की जिम्मेदारी शुभमन गिल और युवा बल्लेबाज एसएसपी जायसवाल संभालेंगे। तो नंबर 3 पर युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा की खेलने की पूरी संभावना है, जबकि नंबर 4 पर कप्तान केएल राहुल स्वयं खेलेंगे, जबकि नंबर 5 पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी करेंगे। नंबर 6 पर शिवम दुबे को अवसर दिया जा सकता है, जबकि नंबर 7 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर स्पिनर रवि बिश्नोई, नंबर 9 पर अर्शदीप सिंह, नंबर 10 पर मुकेश कुमार और नंबर 11 पर आकाशदीप को अवसर मिलने की संभावना है। ये सभी मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 से खेले जाएंगे, जिसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट और मोबाइल के जियो सिनेमा ऐप्स पर देखा जा सकता है।